हाँ जी स्टूडेंट, इस वीडियो दे विच आपां क्लास दसवीं चैप्टर अपना ग्यारहवां रचनावां इहदे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो इस चैप्टर दे विचों चार अंकां दा अपने कोल एक क्वेश्चन ही आना फाइनल पेपर दे विच, पर आना बहुत सौखा। जिन्ने आपां छे आ सवाल करने हैं, उम्मीद आ वी आ छेआं दे विचों तुहानूं फाइनल पेपर दे विच एक सवाल जरूर देखण नूं मिलेगा। तो तुसीं इन्हां नूं चंगी तरह समझ के अपने आप प्रैक्टिस इन्हां दी कर लेनी है क्वेश्चनां दी। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है जिहड़ा तुहानूं फाइनल पेपर दे विच दिसूगा। तो फस्ट क्वेश्चन हैगा कि 6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला एक चक्कर खिंचो, केंद्र तो 10 मीटर दूर स्थित चक्कर ते स्पर्श रेखावां दे जोड़े की रचना करो। तो आपां की करना हैगा, 6 सेंटीमीटर वाला एक चक्कर खिंचना। तो देखते हैं, इत्थे पहला आपां लिख लांगे कि सब तो पहला आपां की करना हैगा, 6 सेंटीमीटर वाला एक अर्ध व्यास का एक चक्कर खिंचना। तो चक्कर आपू सारे पता ही है किमें खिंचा जाना, कि आपू कंपास की लौड़ पेगी। कंपास आप ले लेनी है, कंपास के कंपास में आप खोल लेना 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर देखो अपने को बनेगा, तो ये बन गया अपने को 6 सेंटीमीटर। ठीक, 6 सेंटीमीटर क्लीयर है इतों तक। तू 6 सेंटीमीटर प्रकार नूं आपां खोल के एक इत्थे चक्कर लगा देना। तो लगा दिंदे आ चक्कर, आपां एक चक्कर लगाता जिहदा अपने कोले अर्ध व्यास किन्ना हैगा 6 सेंटीमीटर। आ इहदा ओ केंद्र बिंदु आ। अगे उन्होंने की कहा कि आपां करना हैगा केंद्र तो 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु आ। तो केंद्र तो आप सीधा एक इधरली साइड 10 सेंटीमीटर तो बिंदु एक ले लेंगे। इत्थे मान लो इत्थे ले लिया आप बिंदु एक 10 सेंटीमीटर दूर। ये जिहड़ा बिंदु अपने को नाम दे दो पी। ठीक है, हुण इस बिंदु तो आपां इहदे उपर स्पर्श रेखावां खिंचणियां इस चक्कर दे उपर। तां उह रेखावां किवें खिंचांगे आपां देखो कि जिहड़ा अपने को सब तो पहला आपां इधरली साइड इहदी रचना दे पग लिखी जावांगे स्टैप, कि पहला एक आप 10 सेंटीमीटर सॉरी 6 सेंटीमीटर वाला एक चक्कर खिंचया, 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी लिया। वो तुसी आप लिखना, वो नहीं मैं लिखूंगा, वो तुसी आप इधरली साइड जिवें जिवें आप बनाते जावे उवें उवें लिखी जाना। आप की करना, जिहड़ा आप इत्थे बिंदु बनाया, बिंदु लाया पी 10 सेंटीमीटर दूर, तो केंद्र बिंदु दोवां नूं तुसी मिला देना। आई इधरले पासे स्टैप 3 पा के लिख देना कि पी अते ओ नूं मिलाओ। मिलाता दोनों नूं, हुण जदों आपां इन्हां दोनों नूं मिलाता, इस तों बाद की करना, जिहड़ी आ ओ पी लाइन आ इहदा आपां अध लैणा। अध दा मतलब समझदे हो ना, आपां इहदा लंब सम दो भाज के इत्थे कढ़णा वी किन्ने ते इहदा अध होऊगा। ओह किवें कढ़ांगे, अध कढ़ण दा आपां नूं तरीका पता किवें करदे सीगे कि अध नालों पहलां ज़्यादा प्रकार खोल लेनी आ। आ जिन्नी लाइन आ इहदे अधे हिस्से नालों ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप इधरली साइड एक उपर, इस तरह एक चाप थले एक इधरली साइड, जिथे आ दोनों चापा काटियां इन्हां दोनों नूं आपां मिला देना। ये दोनों नूं आपां की कर देना, मिला देना। जिथे आ के दोनों चापा मिल गईआं अपने कोले, उह बिंदु अपने कोले की बन जूगा, उह बिंदु नूं नाम दे दो कोई ए। हुण जिहड़ा इह अपने कोले ए बिंदु आया, इहनूं आपां अर्ध व्यास मान लेना। इन्ने बिंदु नूं आ अर्ध व्यास हो गया ना इन्ना, हुण आ बिंदु ते इहनूं केंद्र मान के एक चक्कर खिंच दो। एक एक की करना, आपां इहनूं केंद्र मान के एक चक्कर खिंच देना इस तरह। ठीक है, हुण एक तां अपने कोले इह चक्कर दोवें इत्थे कट्टणगे, एक आ बिंदु दे कट्टणगे। इन्हां दे विच दी आपां जांदी एक लाइन लगा देनी आ, इत्थों जाऊगी पी बिंदु तों उपर नूं इस साइड एक लाइन, एक अपने को स्पर्श रेखा इधरली साइड जाएगी इधर आ वाली। मान लो ये अपने को बी पॉइंट आ वाला की हो जूगा सी। तो पी बी ते बी पी सी की हो जाएंगे आ चक्कर दे उपर दो स्पर्श रेखावां जिहड़ियां कित्थों अपने को आ जिहड़ा केंद्र तो 10 सेंटीमीटर दूर वाले बिंदु तो 10 सेंटीमीटर दूर वाले बिंदु तो। तो होप आ तुहानूं इह क्लीयर आ गया होना। बहुत सौखा सवाल आ, 4 नंबर का पेपर दे विच इह आउणा। अगे देखदे आ नैक्सट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर दो आपां की दिता कि एक आधार 8 सेंटीमीटर आ उचाई 4 सेंटीमीटर वाले एक समदोभुजी त्रिभुज की रचना आपां करनी आ। इहदे आपां संगत भुजावां ते एक सही एक वटा दो होण एक होर त्रिभुज की रचना करनी है। इहदे आपां जिहड़ी कि इहदे नालों एक सही एक वटा दो गुणा होण जिहदियां भुजावां। तो सब तो पहला आपां नूं की करना पैणा, आधार हैगा 8 सेंटीमीटर उचाई 4 सेंटीमीटर आ, इहदी आपां एक समदोभुजी त्रिभुज आ जिहड़ी बनाउणी आ। समदोभुजी त्रिभुज का मतलब यह हुंदा जिहदियां दो भुजावां आपस दे विच की होण बराबर होण। हुण देखो अपने कोल दो भुजावां तां उन्होंने देतियां, एक तां आधार देता 8 सेंटीमीटर, दूजी भुजा देती 4 सेंटीमीटर। आपां नूं की चाहिए, तीजी भुजा चाहिए है, फिर ही अपने कोल त्रिभुज बनूगी ना तीजी भुजा। हुण आपां नूं यही नहीं पता कि वह तीजी भुजा 8 सेंटीमीटर होगी कि 4। समदोभुजी दे विच की हुंदा, दो भुजावां बराबर हुंदियां, हुण तीजी 4 भी हो सकती है 8 भी। जे तुसीं कहिंदे 4 होगी तो इन्हां दोवां का जोड़ कितना बन जूगा, 4 ते 4 8 सेंटीमीटर। पर आपां थ्योरम कीती सी कि दो भुजावां का जोड़ हमेशा तीजी भुजा तो की हुंदा वड्डा हुंदा, इसलिए तीजी भुजा की रखनी पवेगी आपां नूं 8 सेंटीमीटर। तो पहला आपां इह त्रिभुज बनाउने आ, फिर देखते हैं कि इहदे आपां संगत भुजावां वाली किवें बनाउणी आ। सब तो पहला तो आधार आपां नूं चाहिए 8 सेंटीमीटर की, आपां इत्थे एक लाइन आ जिहड़ी ड्रॉ कर लैंदे आ 8 सेंटीमीटर, इत्थे जाके अपने कोल 8 सेंटीमीटर बन जूगा। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर इहनूं आपां नाम दे दिंदे आ कोई बी ते सी, यह हैगा 8 सेंटीमीटर। हुण आपां की करना हैगा, आपां नूं दूजी भुजा जिहड़ी चाहीदी आ उचाई हैगी है 4 सेंटीमीटर दी, ते एक भुजा आपां नूं चाहीदी आ 8 सेंटीमीटर वाली। आपां की करांगे, आह वाले पॉइंट तों इत्थों एक 4 सेंटीमीटर ते चाप लगा देंगे, 4 सेंटीमीटर ते चाप। तो इत्थे जाके अपने कोले आ जूगा 4 सेंटीमीटर चाप, एक लाउणी आपां 8 सेंटीमीटर वाली आ बिंदू तो चाप, वह भी लगा देंगे। अठ सेंटीमीटर आपां प्रकार नूं कंपास नूं खोल के स्केल दे नाल मिण के ते इत्थे ला देंगे 8 सेंटीमीटर दी चाप। इन्हां दोनों पॉइंटां नूं आपां की कर देंगे, मिला देंगे, इहनूं नाम दे देंगे ए। हुण जिहड़ा आह वाला अपने कोले बिंदू आ, ये हैगा अपने कोले लाइन ए बी हैगी आ 8 सेंटीमीटर तीजी भुजा, दूजी भुजा किहड़ी सीगी उचाई अपने कोले किन्नी है दी 4 सेंटीमीटर, आह बन गई 4 सेंटीमीटर। तो एक समदोभुजी त्रिभुज बन गई अपने कोल। हुण अगे देखो उन्होंने की किया, एक होर आपां त्रिभुज की रचना करनी है जिहदियां संगत भुजावां की होण इस त्रिभुज का एक सही एक वटा दो गुणा होण, एक सही एक वटा दो। आपां जदों भी कीता सीगा कि इन्ने गुणा होण, आपां सही दे विच नहीं सी कीता, तां सही नूं पहलां आपां नूं की बदलना पैणा वटे वाली संख्या दे विच। तां 2 एकम 2, दोवां दे विच एक जोड़िया 3, तो एक सही एक वटा दो का मतलब की है 3/2, यदा मतलब 3/2 यह तो गुणा होवे योजी एक आप त्रिभुज बनानी है नवी। तो सब तो पहला की करना, आप सब तो पहला एक काम यह करना कि जोड़ा बी बिंदु आए तो थले एक लाइन खिंच दो, ये अपनी मर्जी है कि आप कितने खिंचने, तुम इतने भी खिंच सकते हो इतें भी खिंच सकते हो। तो आप इन्नी की रख्या करनी है भी अपने को इतें जो बन जाए। ठीक है, आह वाली एक रेखा खिंचती। हुण इहदे उपर आपां लाउणे आ पॉइंट, पॉइंट हुण तुसीं कहिंदे सर किवें लाउणे आ, आपां कंपास अपने कोल हैगी आ, कंपास दे नाल एक अपने कोल इन्हां दोवां चों देख लो वड्डा किहड़ा, तुसीं कहिंदे सर वड्डा हैगा 3, तां 3 हिस्से आपां बनाउणे आ, इहदे प्रकार खोल लो जिन्नी मर्जी, जे इन्नी प्रकार तुसीं आ खोल ली आ एक हिस्से नूं तां गां आपां इहदे नाल की ला दिंदे आ, उन्नी प्रकार खोली तो किन्ने हिस्से बना दिंदे आ इहदे 3। तुसीं कहिंदे सर 3 हिस्से बन गए, इक्को जिन्नी प्रकार खुली है, आह प्रकार का कोई नहीं, तुसीं ज़्यादा भी खोल सकते हो घट भी, पर जिहड़ा एक पॉइंट तुसीं पहलां चाप लाती फिर सारे इक्को जिहे होने चाहिए है। हुण इहनां नूं नाम दे देंगे, इहनूं दे देंगे B1, इहनूं B2, इहनूं B3, 3 पॉइंट दे नाम दे दे। तुसीं कहिंदे सर इत्थों तक क्लीयर है सानूं। हुण आपां की करना, जिवें आपां अनुपात दे विच लाइन नूं वंडदे सी आ, लास्ट वाली नूं आपां इहदे नाल मिला देना सी नाल, तुसीं कहिंदे जी मिलाता, ये की कर देना मिला देना।
हुण आपां नूं देखो इत्थे हिस्से किन्ने चाहिए आ, दो हिस्से। इहदा मतलब एक साह पिया एक आ पिया, आ की आ गया दूजा हिस्सा। हुण आपां आ लाइन तो इत्थे एक लाइन खिंचनी आ इहदे समांतर, इहदी लाइन आ जिहड़ी बी थ्री सी दे एक समांतर की खिंचनी आ आपां इत्थे एक लाइन बी टू तो, क्योंकि दो हिस्से आपां नूं चाहिए आ, दो हिस्से। तो किवें खिंचांगे आपां, कोण मिल लांगे किन्ना, आह बी बी थ्री सी, ये कोण किवें मिलांगे आपां। कोण मिलन वास्ते ना एक कोई भी चाप लै लो, छोटी जी ला लो, इत्थों चाप एक ला लो आ वाली जिहड़ी, इहनूं कट जे लाइन नूं चाप लाती, जिन्नी हुण प्रकार खोली आ उन्नी प्रकार जिथे आपां इहदे कोण बनाउणा सणमुख उत्थों ला लो। तुसीं कहिंदे आ इक होर चाप उन्नी खोल खिच के लाती आपां। हुण कोण किवें मिलांगे आपां, जिथे आ चाप रुकी आ ते जिथे आ लाइन आ उन्नी प्रकार खोल लो, इन्नी अपने कोल हैगी है ना, देखो आह पूरी प्रकार खुल गई उन्नी। इत्थे भी आ ही रख के ते एक ला दो चाप, जिथे आह चाप कट गई उहदे विच दी जांदी एक बी टू तो आपां लाइन खिच देनी आ सी दे बी सी दे उपर, आह वाली आ लाइन, ये लाइन की होगी इहदे नालों की होगी इहदे समांतर। जे इहदा नाम सी आ इहदा नाम आपां की रख दांगे सी डैश। तो क्लीयर है इत्थों तक। हुण अगे की करना आपां, अगे फिर कोण बनाउणा आपां, हुण इहदे तों आ लाइन दे उपर ए बी दे उपर जिन्ना सी ते बनिया इहदे जिन्नी आ ए सी लाइन समांतर आ उन्नी समांतर इत्थे खिंचनी आ, तां इहदा कोण मिलणा किन्ना। प्रकार अपने वल्लों तुसीं खोल लैणी आ कंपास, आह जिन्नी मर्जी जिन्नी खोली होई उन्नी खोल के इत्थे ला देना एक चाप, इत्थे लाता। हुण आ कोण मिणो, फिर कोण तुसीं कहिंदे आ कि अपने कोल है इन्ना आ वाला कोण, ठीक है इन्ना, देखो हुण इत्थों भी इन्ना मिण के एक कोण इत्थे बना दो, जिथे आह मिल गया उत्थों उपर नूं एक लाइन आपां इहदे विच दी जांदी खिच देनी आ वाली। इहदा नाम बिंदु दा की होऊ, जे आ ए बिंदु आ की हो जूगा ए डैश। तो हुण जिहड़ी एक विच इहदे तिरभुज बन गई आ किहड़ी बनी आ ए डैश बी ते सी डैश, ये की होगी आ वड्डी तिरभुज का तीन वटा दो भाग जां तीन वटा दो गुणा। तो इत्थे लिख दांगे एक तां आपां पहली तिरभुज लई सी ए बी सी, इहदे समरूप आपां किहड़ी तिरभुज खिच्ची आ ए डैश बी ते सी डैश, ए डैश बी ते सी डैश। जिवें जिवें आपां कीता इहदे विच बिल्कुल उस तरह तुसीं अगे दी अगे अपने कोल इत्थे नाल लिखी है ना स्टैप वाइज, पहला आ लाइन खिचो दूजे नंबर ते आ खिचो तीन ते आ खिचो, अपना जिहड़ा सवाल है हो जूगा। तीजे क्वेश्चन दे विच एक आपां 5 6 7 सेंटीमीटर भुजावां वाला एक तिरभुज की रचना करनी है, एक होर तिरभुज की रचना करनी है जो दिते गए अनुपात का 7/5 गुणा होवे। तो बिल्कुल जिवें आपां उपरला सवाल किया उस तरह का यह सवाल आ। तो पहला आपां नूं की तिरभुज बनाउणी पैणी है जिहदियां भुजावां 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ते 7 सेंटीमीटर होण। तो बना लांगे पहला आपां एक तिरभुज, फिर देखांगे उहदे गुणा आपां च किन्नी तिरभुज आ जिहड़ी उह बनाउणी आ ते उह किवें बनाउणी आ। सब तो पहला आपां इत्थे 5 सेंटीमीटर एक लाइन लगा दांगे, इत्थे 5 सेंटीमीटर दी स्केल दे नाल एक सीधी लाइन तुसीं लगा देनी आ 5 सेंटीमीटर। तो इहनूं आपां कोई भी नाम दे दांगे बी सी, ठीक है। हुण आपां नूं एक लाइन चाहीदी हैगी है 6 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट तो, एक चाहीदी है आपां नूं एक पॉइंट तो 7 सेंटीमीटर। तो सब तो पहलां की करांगे एक पॉइंट तो आपां 6 सेंटीमीटर खोल के एक चाप ला दिंदे आ, वह अपने कोल ए बिंदू आ जूगा कित्थे कि आऊगा। तो 6 सेंटीमीटर तुसीं देख लो इत्थे आपां कंपास नूं पूरा खोल लिया 6 सेंटीमीटर तक, तो एक पॉइंट सी तो ला लो चाहे बी तो, वह अपनी मर्जी है, चलो इत्थों ला दिंदे आ सी तो एक चाप। दूजा पॉइंट आपां नूं चाहीदा 7 सेंटीमीटर से, हुण इत्थों आपां 7 सेंटीमीटर देख लैंदे आ कित्थे कि बनेगा। तो आह बन गया अपने कोल 7 सेंटीमीटर, बी पॉइंट तो इत्थे 7 सेंटीमीटर ते ला दो, जिथे आ दोवें कट गए वह वाला ए बिंदू होगा। इहदा मतलब ए तो लैके बी तक की दूरी किन्नी आ 7 सेंटीमीटर, तो इहनूं लिख दांगे आह आपां 5 सेंटीमीटर लिखी सी, आह वाली किन्नी आ 6 सेंटीमीटर ते चाप लाई सी आपां 6 सेंटीमीटर। तो जिहड़ी उन्होंने तिरभुज कहा सी पहला तो आपां उह बना ली। अगे हुण देखो उन्होंने की कहा आपां नूं क्वेश्चन दे विच कि आपां एक होर तिरभुज की रचना करनी आ जिहड़ा कि इस तिरभुज का की होवे 7/5 गुणा, किन्नी होनी चाहीदी आ 7/5 गुणा।
तो हुण तुहानूं की कहा सी आपां बी बिंदू तो की करनी है, एक लाइन खिंचनी है इधर नूं न्यून कोण जिहदा होवे, कोई भी कोण हो सकदा अपनी मर्जी नाल इधर नूं तुसीं लाइन खिंच देनी है। तुसीं कहिंदे खिंचती सर, ठीक है। हुण आपां की करना आह लाइन दे उपर सब तो पहला इदां दोनों दे विचों देखो वड्डी संख्या कहड़ी आ, वड्डा सत्त आ ना, इहदा मतलब आ लाइन दे आपां किन्ने हिस्से कर लैने आ, सत्त हिस्से कर लैने आ। तो कंपास नूं जिन्ना का तुसीं खोलना उन्ना खोल सकते हो, मान लो इन्ना खोल लिया, हुण सत्त हिस्से दे कर दो, एक दो तीन चार पांच, तो लाइन आपनूं वधाउणी पऊगी इह छे, तो इहनूं अगे आपां वधा दिंदे आ होर इत्थे जी कर दिंदे आपां तां कि अपने हिस्से पूरे आ जाण। तो किन्ने हिस्से हो गए, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, आह वाला हो गया छे, इत्थे हो जूगा सत्त, सत्त हिस्से हो गए। हुण इहनां दे नाम की देने है, पहले का बी वन, दूजा बी टू आ, फिर बी थ्री आ, बी फोर, बी फाइव, बी सिक्स, बी सैवन, तो आह नाम देते। हुण तुहानूं कहा सी आपां इहनां चों छोटा किहड़ा, पांच, पांच हिस्से अलग कर लेने आ, पांच हिस्से की कर लेने आ अलग, मान लो इत्थे जाके अपने कोले पांच हिस्से आए आ, ठीक है। पहला आपां की करना सीगा कि जिहड़ा लास्ट वाला पॉइंट आ उहनूं की कर देना, मिला देना आपां किहदे नाल, सी नाल, मिलाता सी नाल की कर देना, मिला देना। हुण बी पांच हिस्से अपने कोले छोटे, तां पांच तो आपां की खिंचनी, एक लाइन खिंचनी है जिहड़ी जिन्ना आह वाला कोण बनता पिया इहदे की होनी चाहीदी है, समांतर, बी सत्त सी दे की होनी चाहीदी है, समांतर एक रेखा खिंचनी है। मतलब जिहड़ा कोण बनता पिया बी, किहड़ा बी, बी सैवन ते सी दे विच, उन्ना कोण अपने कोले इत्थे बनना चाहीदा, किहड़ा बी, बी फाइव, तो इत्थे जिहड़ा पॉइंट आऊगा। तो कोण किवें मैना तुहानूं कहा, कंपास जिन्नी भी खोलनी आपां खोल लो उहनूं पूरा, एक ला दो उहदे नाल पूरी चाप, आपां लाती एक चाप। हुण जिन जिथे आपां कोण बनाउणा बी पांच ते बनाउणा, इत्थों भी एक चाप ला दो, तुसीं कहिंदे लाती सर। हुण आ कोण मिल लो किन्ना, कित्थे कि जाते जाके कंपास आई आ, तो तुसीं कहिंदे सर आपणूं कंपास पूरी बंद करनी पऊगी, फिर ही आके कोण हुंदा पिया उत्थे, उहदे नाल भी घट आ, मतलब की आऊगा इत्थे जे किते आऊगा कोण अपना। आह हुण आ बिंदू दे विच्चों आपां आ रेखा ते खिंचदी एक लाइन खिंच देनी, इहदे विच दी जांदी बी सी दे उपर, ठीक आ, इत्थे आह वाली आ जिहड़ी लाइन आ, हुण इहदा भी उन्ना ही कोण आ जिन्ना अपने कोले इत्थे कोण आ, इहदा नाम की है बी, बी पंज, ते इहनूं नाम आपां की देना सी पॉइंट, सी आ की हो गया सी डैश, उन्ना कोण आपां उधर बनाता, ठीक आ। हुण आपां की कहा सी अगे कि जिन्ना कोण इत्थे अपने कोले बनता पिया आह वाला, उन्ना कोण ही आपां इत्थे बनाउणा, तो आह वाला कोण मिल लो किन्ना बनूगा, तुसीं कहिंदे आ कि इत्थों आपां मिल लैंदे आ सर आह वाला कोण, जिन्नी हुण कंपास खोली है उन्नी इत्थों खोल के उपर नूं ला दो एक चाप। हुण कोण मिल लो किन्ना, इत्थों लै के तुसीं कहिंदे आ कि इत्थों तक आ कोण सर आह, तां इत्थों भी मिण के एक इत्थे की ला दो लाइन। हुण इहनूं की करना आपां, जिहड़ा अपने कोले पॉइंट आया आह वाला, इहदे तों इहदे विच दी जांदी एक लाइन खिंच देनी है इत्थे आपां, जे आह पॉइंट ए सी आह पॉइंट की होऊगा ए डैश। हुण आह वाली लाइन की अपने कोल एक तिरभुज बन गई ए बी सी दे, एक आपां समरूप तिरभुज बनाती जिहड़ी कि सत्त वटा पंज गुणा किहदे आ ए डैश बी ते सी डैश, इत्थे लिख दो सी डैश ए डैश, तिरभुज किहड़ी बनाई आपां ए डैश बी सी डैश, इहदी आपां रचना करनी सी। तो उम्मीद है तुहानूं इह क्लीयर हो गया, हुण अगे देखदे हां नैक्सट को। चौथा सवाल हैगा कि 7.2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खिंचना है, इसनों आपां 5:8 दे विच वंडना कि किवें वंडांगे लाइन नूं, तो सब तो पहला की करना पैणा, इत्थे लिख लांगे आपां नूं किन्नी लाइन चाहीदी है 7.2 सेंटीमीटर, 5:8 दे विच इहनूं आपां वंडना। तो की करांगे, सब तो पहला आपां लाइन खिंचनी है एक जिहदी मिनती किन्नी होनी चाहीदी है अपने कोले 7.2 सेंटीमीटर, तो स्केल दे नाल मिल लांगे कित्थे जाके बनता पिया, तुसीं कहिंदे सर इत्थे जाके अपने कोले की बन गया 7.2 सेंटीमीटर,
हाँ आप कोई भी एक रेखाखंड खिंच लिया नाम देता ए बी। हुण की करना आप एक थले नू लाइन न्यून कोण बनाउंदी इहदे नाल खिंच देनी है इत्थे, ठीक है, एक की खिंच देनी आप लाइन न्यून कोण बनाउंदी, मान लो आह वाली खिंचती आप वाली लाइन, ठीक है। हुण आप करना अनुपात पांच अनुपात अठ दे विच इहनू वंडना, तो आप करना ये हिस्से करने हैं इन्हों दोनों का जोड़ करके, अठ दे विच पांच जोड़े किन्ना हो गया तेरह, मतलब आ लाइन दे आपां किन्ने हिस्से करने हैं तेरह हिस्से करने हैं। तो तेरह हिस्से करन तो बाद देखते हैं फिर अगे इहनू किवें हल करना आप। तो तेरह हिस्से करन लई कंपास आपां खोल लेनी है, जिन्नी आपां खोलांगे उन्ने हिस्से लगाउणे आ। मान लो आपां इन्ने कंपास खोलदे आ, ये अपनी मर्जी है किन्नी आपां कंपास खोलनी है। तो तेरह हिस्से आ छोटी आपां छोटा हिस्सा खोलांगे प्रकार का, एक दो जिन्ना एक और खोल लिया उन्ना ही रखना आपां कंपास का हिस्सा, चार पांच छे सत्त अठ नौ दस ग्यारह बारह ते तेरह, तेरह हिस्से करते आप। हुण की करो कि इन्हां नूं नाम दे दो, जिवें आह वाला हो जूगा ए वन, आ ए टू, आ ए ए थ्री, आ ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सैवन, ए एट, ए नाइन, ए टेन, ए अलैवन, ए ट्वेल्व, ए थर्टीन, ठीक है, तेरह तक इहनूं नाम देते। हुण आपां की करना जिहड़ा लास्ट वाला ए तेरह, इहनूं आपां आह वाले बिंदु बी नाल मिला देना। की करना इहनू बी बिंदु नाल मिला देना, मिलाता। हुण अगे अपना एक काम ही बस रह गया हुण कि अपने कोले पहला हिस्से आपणू किन्ने चाहीदे आ, पंज, तां पंज तक आओ, एक दो तीन चार ते पंज, आ पिया पंज। हुण आपां की करना हैगा कि जिन्ना कोण इत्थे बनदा पिया, कोण ए, ए की आ ए तेरह, ते बी, बी दे विचाले जिन्ना कोण बनता पिया उन्ना कोण आपां इत्थों बनाउणा ए ए पंज ते इत्थे कोई बी डैश ते, ठीक है, वह अपना पॉइंट होगा जिथे कि आ लाइन की हो जूगा पंज अनुपात अठ दे विच वंडी जाऊगी। तो हुण कोण देखो किवें बनाउणा आपां, जिवें अगे कीता सी उसे तरह ही इत्थों कोई भी एक कोण बना लांगे आपां, कंपास जिन्नी मर्जी खोल लो तुसीं इत्थों, जिन्नी इत्थों खोल के उपर नूं आए लाती आपां चाप उन्नी इत्थे रख के आपां एक चाप ला देनी आ, तुसीं कहिंदे लाती सारा चाप। हुण कोण आपां किवें मेजर करना किवें मैना, इत्थों खोल के प्रकार जिन्ना कोण खुल्लिया वा उन्नी प्रकार ते पेंसिल खोल लो, इन्ना कोण हैगा अपने कोले। हुण इत्थे रख के इत्थे एक की ला दो चाप, जिथे आह दोनों चापां अपने कोले कट गईआं, आ बिंदु जिहड़ा अपने कोले ए पंज आ इहदे विच्चों जांदी एक इत्थे लाइन खिंच दांगे आह वाली, तो आ जिहड़ी अपने कोले पॉइंट आजूगा ओ आजूगा, तो जिहड़ा इधरले पासे हिस्से रह जाणगे अपने कोले पंज, इधर हिस्से किन्ने रह जाणगे अठ। तो यह अपने कोले लाइन जिहड़ी 7.2 सेंटीमीटर सी इह दो हिस्सों च वंडी गई, पहला हिस्सा आ गया पंज दूजा आ गया अठ। बस इन्ना काम ही करना जदों आपां रेखाखंड नूं अनुपात दे विच वंडना। तो इत्थे कोण लिख लो, आह वाला कोण आपां इहदे बराबर कीता ना, इहदा नाम की आ ए, ए पंज ते ओ, ये दोनों कोण की आपस दे विच बराबर आ। बस पंजवां क्वेश्चन देखो, पंजवें च की करना, 4 सेंटीमीटर अर्ध व्यास दे एक चक्कर ते अजिहियां दो स्पर्श रेखावां खिंचणियां जिहड़ियां कि आपस दे विच होण 60 डिग्री दे कोण ते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ ये फाइनल पेपर के लिए। तो सब तो पहला आपको की करना पैना, 4 सेंटीमीटर का एक आप अर्ध व्यास का की खिंचना एक चक्कर, तो इतने आर लिख लाँगे 4 सेंटीमीटर। जिहड़ियां स्पर्श रेखावां आपां खिंचणियां दोनों दे विच आपस दे विच कोण किन्ने डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का। तो देखते हैं किवें बनावांगे इहनूं आपां। सब तो पहला तुसीं की करना, आपां 4 सेंटीमीटर का एक अर्ध व्यास का चक्कर चाहिए, तो 4 सेंटीमीटर आपां कंपास नूं खोल लाँगे, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हो गया इत्थे स्केल दे उपर। हुण एक इत्थे खोल के एक की बना देना आपां चक्कर, 4 सेंटीमीटर खोल के, तो तुसीं कहिंदे सर चक्कर अपने कोले बन गया, ये बिंदु अपने कोले ओ आ। हुण आपां की करना हैगा, एक अपनी मर्जी दे नाल एक लाइन इत्थे लगा देनी आ
अपनी मर्जी नाल कितें भी ला सकते हैं। तुम मान लो इत्थे ला दित्ती है लाइन एक आपां आ वाली। हुण अगे आपां की करना जिहड़ी आ वाली लाइन लगाई है आपां देखिया कि अपने कोल जिहड़ियां चक्कर दे उपर स्पर्श रेखावां इत्थे थोड़ा जे आपां उहनां दा रफ चित्र बनाईए तो एक चक्कर बनूगा एक अपने कोल इस तरह स्पर्श रेखावां बनेगा। तुसीं कहिंदे बिल्कुल जिहड़ा आ वाला कोण आ इह दोवां दे विचाले किन्ना चाहीदा 60 डिग्री का। इहदा मतलब जिहड़ा इत्थों केंद्र तों इन्हां दा आपस दे विच कोण होऊगा इत्थे इह आपां थ्योरम कीती सी कि चक्कर दे किसी भी बिंदु उपरों जे आपां स्पर्श रेखावां दुआलों आपां एक कोण बनाउंदे आ जिन्ना कोण इत्थे बनता उहदे नाल दुगना की बनूगा केंद्र ते। जे इत्थे 60 आ इहदा मतलब केंद्र ते कोण किन्ना बनाउणा पऊगा आपां नूं 120। यही इत्थे समझण वाली गल आ जे इत्थे कोण आपां नूं 50 डिग्री का बनाउणा हुंदा दोवां दे विचाले तां आपां केंद्र ते किन्ने का बना देंदे 100 डिग्री का बस दुगना कर देना आपां कोण नूं। तां इत्थे 60 डिग्री आपां नूं चाहीदा दोवां दे विचाले आ स्पर्श रेखावां दे कोण आपां केंद्र ते किन्ने का बना देंगे 120 डिग्री का। हुण एक लाइन आपां आपदे वल्लों ला ली आ इहदे उपर कोण बनाउणा होएगा आपां 120 डिग्री का। तो पहलां कंपास नूं जिन्नी तुहाडी इच्छा उन्नी खोल लो। मान लो इन्नी आपां कंपास खोल ली आ इहदे उपर एक चाप ला देनी आपां चाप इन्नी ठीक है। हुण जिन्नी आ प्रकार कंपास आपां खोली सी उन्नी नाल आपां इत्थों एक चाप इत्थे जिहड़ी चाप इत्थे आ गई उहदे नालों अगे आपां इत्थे ला देना। जिहड़ी आ दूजी चाप आपां लाई आ इहदे विच दी जांदी एक आपां लाइन इत्थे खिच देनी आ ओ बिंदू तों की खिच देनी है एक लाइन जिहड़ी कि लाइन अपने कोल हुण की करदी पई आ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਏ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੀ। ਤੋ ਆਹ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਤਾ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੰਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ ਉਨੀ ਕੰਪਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਪ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਪ ਆਪਾਂ ਲਾਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਪ ਜਿੰਨੀ ਕੰਪਾਸ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਉਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕੋਣ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਦੋ ਕੋਣ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚਾਪ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਇੱਕ ਚਾਪ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਏ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਪ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਚਾਪ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਪ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਜਿੱਥੇ ਚਾਪ ਪਹਿਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਚਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਚਾਪ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਏ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਬੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਚਾਪ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਪਰਲੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਓ ਆਹ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣੂਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਤੋ ਫਿਰ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੇਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਣਾ ਤੋ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਾਸ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ।
तो तुसी कहने सर बनाता आपां एक 2 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला चक्कर, आ बिंदू इहदा केंद्र बिंदु ओ आ। अगे उन्होंने की किया, आपां केंद्र तो 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना, 5 सेंटीमीटर दूर आ रहा वह बिंदु है, तो 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु कितें भी लै सकते हैं, तुसी इधर भी लै लो उधर भी लै लो जिधर मर्जी। मान लो आ वाला आपां बिंदु लै लिया, केंद्र तो यह किन्ना दूर आ, 5 सेंटीमीटर दूर पी बिंदु। हुण आ पी बिंदु तो आपां दो स्पर्श रेखावां चक्कर दे उपर खिंचणियां, तो उन्हां दी लंबाई देखनी है किन्नी किन्नी है। तो सब तो पहला तुहानूं की कहा सी, आपां की करना जदों भी स्पर्श रेखावां बनाउणगा, पहला आ दोनों केंद्र बिंदु ते पी बिंदु नूं मिला देना। मिलाता तुसीं कहिंदे, फिर कहा सीगा कि आपां अध नालों ज़्यादा प्रकार खोल के आ जिन्नी रेखा खंड अपने इहदा की करना, आपां अध करना। अध करन वास्ते की करना पऊगा, अध नालों ज़्यादा प्रकार खोल लो, एक चाप उपर ला दो एक थले। तुसीं कहिंदे बिल्कुल सही है, एक इधरों पी बिंदु तो रख के उपर नूं चाप, एक थले नूं, दोनों की कर देना आपां मिला देना। जो आप दोवों मिलावे तो ये इस रेखा का की आजगा, लंब सम दो भाजक, आह वाली लाइन का ओ पी का, आह वाले बिंदु में दे दो नाम ए। अगे थानू की कहा कि आप ओ तो ए तक मिल लेना कि इन्ना अपने को अर्ध व्यास आ, ओ तो ए तक। हुण जिन्ना ये आया ए बिंदु नू केंद्र मन के आप एक की खिंच देना, चक्कर खिंच देना। ओ बिंदु नू केंद्र मान के आपां किन्ना क चक्कर खिंचना, जिन्नी अपने कोले आ दूरी सी ओ ते ए वाली, जिथे आना दोनों चक्कर आपस दे विच कट कर गए, ओ अपने कोले उहदे विच दी की लंघणगा, स्पर्श रेखावां, ओ की होणगा अपने कोले स्पर्श रेखावां। तो एक तो आ गई स्पर्श रेखा, इहनू नाम दे दो बी पी। एक अपने कोले स्पर्श रेखा इधर आजूगी, इहनू नाम दे देंगे आपां सी पी। तो एक लाइन इत्थे खिंच दिंदे आ, इहनू नाम दे देंगे सी पी। तो उन्होंने हुण आपां इत्थे लिख लांगे अपने कोले किहड़ियां किहड़ियां दो स्पर्श रेखावां आ गईआं। एक तां आ गई आ बी पी स्पर्श रेखावां, किहड़ियां किहड़ियां आ गईआं, एक दा नाम हैगा बी पी, एक दा नाम हैगा सी पी। तो दोवां दी आपां मेहनती करनी सी वी किन्ने किन्ने सेंटीमीटर दे नाल। तो आपां एक थ्यूरम कीती सी कि बाहरी बिंदु तो आपां चक्कर दे उपर जे दो स्पर्श रेखावां खिंचांगे तो उन्हां दी लंबाई की होगी, बराबर होगी। तो अज्ज आपां उहदा प्रूफ देखणा कि आपां थ्यूरम कीती सी वाकई सही आ कि गलत आ। तो देखो जीरो तो लै के ये अपने कोले किन्नी बन गई, तुसीं कहिंदे आ जीरो तो लै के सर ये हैगी आ 4.6 सेंटीमीटर, ते आ वाली अपने कोले किन्नी आ, ये भी अपने कोले 4.6 सेंटीमीटर, ते इहदी लंबाई भी 4 पॉइंट, थोड़ा देख लो पॉइंट का फर्क होगा, 4.6 ही आ जां 4.7 हो सकती है, 4.6 सेंटीमीटर। एक दो तीन पॉइंट गिणो, एक दो तीन चार पाँच छे, छे 4.6 सेंटीमीटर। तो देखा तुसीं आ भी अपने कोले 19 स्पर्श रेखा की लंबाई आई, इहदी भी 19 आई, यही आपां दसनी सी। आह वाली दो स्पर्श रेखावां बनाउणियां सी, इह भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ, तुसीं इहनूं भी ध्यान दे नाल करना। तो इत्थों तक अपने कोल चैप्टर 11 दे जिहड़े आ रचनावां दे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे हो जांदे आ। नैक्सट वीडियो दे विच आपां अगले चैप्टर दे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े ओह करांगे।